बलिया जिले के नगर चिरमिरी में अटक श्रमिक संघ द्वारा SECL चिरमिरी क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और प्रबंधक को विभिन्न इकाइयों के श्रमिक हितैषी मांगों को लेकर संयुक्त कोयला खदान मजदूर संघ अटक के सदस्यों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा ने नेकी अटक की। केंद्रीय अध्यक्ष कामरेड अजय विश्वकर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों को बर्बाद करने में उतारू है। केंद्र सरकार की नीति ऐसी कि आने वाले कुछ वर्षों में इस देश में सिर्फ उद्योगपति और उनके उद्योगों की गुलाम तरह श्रमिक काम करेंगे। अटक श्रमिक संघ के चिरमिरी क्षेत्र के सचिव श्री लिंगराज नायक ने कहा कि प्रबंधक की लापरवाही से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिस पर प्रबंधक का ध्यान नहीं जा रहा। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों से सेवा समाप्त होते उनके आवासों को खाली कराने की प्रक्रिया प्रबंधक द्वारा जोर शोर से की जाती है। वहीं क्षेत्र में आवासों में पानी नहीं है, खदानों में सुलभ की व्यवस्था नहीं है, स्कूली बच्चों के लिए आने जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्कूली बस नहीं है। क्षेत्र में हो रही कोयला खदान बंद हो रही है और बच्चे कर्मचारियों के विभागीय पदोन्नति पर कोई भी प्रबंधक का रवैया संतोष पद पर नहीं है। इन सब बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए श्रमिक संघ श्रमिकों की मांग को लेकर जमकर हल्ला बोला और श्रमिकों की 10 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए प्रबंधक पर दबाव लगाया। रिपोर्ट बाय R. स्टीफन, समाचार इंडिया, न्यूज़ छत्तीसगढ़।